उसमें आप मत करो पंगे मत लो सर। नहीं वो तो चलेगा सर, चलेगा और भी लेकिन सुनो मेरी बात सुनो, चलो ठीक है फिर आप कर लेते हैं अगर आप जो बोल रहे हो ना, हाँ लेकिन अगर आप हारे तो हाँ पनिशमेंट भी मिलेगी सर। तो फिर तो क्लेम तो सर आप ही करते हो कि आपको हिस्ट्री पता है, हाँ मुझे पता है, पूछना कोई दिक्कत नहीं है। तो चैलेंज तो फिर मैं भी लेके आऊंगा सर। मैं हिस्ट्री ऐसी 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 हिस्ट्री आती है तभी मेरा फ्यूचर बना दूंगा सर। देखो नहीं गुरुजी नहीं नहीं बात ऐसी सर, है, जब आप बराबरी की लड़ाई में कूद रहे हो ना ठीक है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी लो। नहीं आप जैसे ही बोलते हो ना कॉन्सिक्वेंसेस, ऐसे मेरे माइंड में एक भाई नहीं नहीं ऐसा ऐसा पिक्चर आ करते जाता है कि हैं, क्या नहीं नहीं कॉन्सिक्वेंसेस सर, होगा। ऐसा करते हैं सुनो सर, एक हाँ कॉन्टेस्ट कर लेते हैं ठीक हाँ है। आप ठीक है, आप तीनों ही जब उधर में मैदान में मैं ठीक जोग्राफी हूँ, मैं मैं भी पूछता ठीक हूँ, हूँ, ठीक ये है कह रहे हैं हिस्ट्री आप करते हैं पॉलिटी हाँ हाँ ठीक पक्का है, हाँ लेकिन सब जो भी हारता है, हाँ मान लो मैं जोग्राफी पूछ रहा हूँ, अगर हाँ आप में से पूछूँ जो भी हारेगा ठीक है, तो आपको पनिशमेंट भी मिलेगी, पनिशमेंट वो होगी जो मैं चाहूंगा। ये पनिशमेंट आप चाहोगे, यही सुन के ही मेरे को डर लग जाता है जी। नहीं नहीं जैसे ऐसी नहीं आप अपनी पनिशमेंट, पनिशमेंट हमारे लिए आप आप भी तो अपने लिए क्या हो गया ना नहीं, सर। मैं तो मतलब क्या मतलब बड़ा ही मॉडरेट से मेरा पनिशमेंट रहेगा, बट जैसे आप बोलते हो ना कि पनिशमेंट मेरे हिसाब से रहेगा, हाँ वैसे ही मतलब मेरे माइंड में एक ऐसा आ जाता है मतलब सर कि कर लेंगे जीत जाएगा हम, चलिए हाँ ठीक है ना, ठीक ऐसी भी है बात नहीं है, ठीक है चलो मतलब कि डन, हाँ कर सकते आप हैं, देखते हैं सर जी आपकी नॉलेज, देख लेंगे सर ठीक है आपकी हो भी, जाएगा आज, हो ठीक है जाएगा मंगवाओ वही मंगवाओ, ठीक है, ले आते हैं ठीक है ठीक डन, ठीक ओके। है। और सर कैसे हैं? सर हूँ तो मैं बढ़िया, पूछ रहे थे कुछ ले आओ, और सर क्वेश्चंस भी रेडी हैं हमारे पास। हिस्ट्री अभी क्या जी फ्यूचर भविष्य बना दूँ हिस्ट्री में तेरा ऐसे सवाल। सर वो तो बना भी तो मुझे कोई डाउट नहीं है उसमें, और मैं आपको ये भी बता देता हूँ सर, आपकी जो पनिशमेंट रखी है सर, ये रैंडम पनिशमेंट नहीं सर, अच्छी पनिशमेंट रखी है। क्या अच्छी बात में क्या है, है, अच्छी पनिशमेंट क्या होती क्या है, होता है क्या यार? होता है सर? गरम गरम समोसे लाने वाले, समोसे। गरम गरम समोसे लेके आ रहा हूँ सर। ठीक है समोसे। ना सर पनिशमेंट नहीं बनाया, समोसा समोसा तो ऐसे ही कोई भी खा ले। हाँ देसी आदमी नहीं है ना, ठीक है थोड़ा यही फर्क होता है सर, देसी नहीं ये बनता। हाँ, ये मतलब जैसे जो पॉश लोग होते हैं उनको समोसा खाना भी पनिशमेंट समोसा लगता है, हाँ मुझे और पता देसी लोगों को लगता है कि यार समोसे कितने से खाए नहीं है। समोसे की पार्टी ओके होती है, हाँ वही बात है, समोसा खाना तो बहुत इजी है इन लोगों के लिए, मतलब 10 समोसे कैसे खाएंगे सर जी? आपके अरे ये क्या लेके आ गया आप? लिए समोसे लाए हूँ सर, बट पनिशमेंट ये है कि एक नहीं दो नहीं 10 के 10 समोसे खाने हैं। कोई बात नहीं सुमित सर, खाएंगे और क्या, अभी हिस्ट्री के सवाल हैं यही खाएंगे। आप कहना क्या कहना चाहते हैं हिस्ट्री में भी आप? चाह रहा हूँ, मैं तो वैसे भी आजकल समोसे नहीं खा रहा हूँ ठीक है, और फिर हिस्ट्री में अगर समोसे खाने पड़ जाए फिर क्या बात है ठीक है, तो मान लिया हिस्ट्री में थोड़ी थोड़ी सी कमजोर है थोड़ी लेकिन, सी। हाँ सर लेकिन वो सब छोड़ो इसका मतलब ये नहीं कि समोसे आप मेरी तरफ खिसका ना, रहे हो। मेरा कहने मतलब कमजोर वाली बात नहीं, मतलब मैं चाहता हूँ कि आप खाए पिए और खुश रहें, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप समोसे खाओ। पहले हंस नहीं रहे थे आप ऐसी लोग, पहले हंस रहे थे आप ऐसी खुशी लोग। आप ही को मन जाओ, तो यार एक समोसा होता है तो मतलब इसीलिए पनिशमेंट बोला था ना एक कहावत है, सर। डांगर थोड़ी ना इतने खाएंगे हम, हाँ मतलब समझ रहे हो आप। कोई बात नहीं, डांगर का डांगर बनना पड़ेगा आज। इसके लिए मुझे लग रहा है सारे आंसर देने पड़ेंगे। ठीक है मुझे ऐसा क्या लग रहा है कि पंकज सर का पेट इनके लिए उपयुक्त है। उसी से मुझे प्रॉब्लम है, मतलब सोचा हूँ कि अब नहीं समोसे वगैरह खाना सर छोड़ अब देता वो सब हूँ। छोड़ सर, चलो ठीक है ऑब्जेक्टिवली ठीक है, करेंगे, चलो ठीक मैं कोई तो बात नहीं, न्यूट्रल हूँ हाँ सर, कोई अच्छा बात एक नहीं काम कोई करो बात ये नहीं। लो ओम ह्रीम क्लीम जामुंडाय विच्चे, ये लो एंशियंट हिस्ट्री का सवाल है सर, मर गया भाई। एंशियंट हिस्ट्री का, एंशियंट हिस्ट्री का सवाल है। एंशियंट में और मिडिवल में सही बताऊं मेरे को ए और एम के अलावा कुछ नहीं आ रहा, मेरे को पता यूपीएससी नहीं बहुत कम है। पूछता है ना, तो चलो आगे ठीक है हाँ इट्स ऑल अबाउट हाँ आप फैक्ट्स। मॉडर्न उन्होंने कुछ पूछिए, नहीं नहीं सर ने मेडिवल बोला ना, चलो मेडिवल को पूछिए। हाँ सर जी मेडिवल कर देता हूँ आपके लिए, मैं अरे इजी कर मेरे को देता सर ना मेडिवल हूँ। आता है ना एंशियंट आता है, ठीक है मेरे को अच्छा सिर्फ क्वेश्चन तो सुनो, इजी मॉडर्न क्वेश्चन है आता है। सर, ठीक है फिर इजी तो, इजी तो मैं इजी क्वेश्चन है छोड़ता ही सर, नहीं सर, इजी इजी नहीं क्वेश्चन है, ये इजी बोल के ना जब आप कोई इजी बोले तो वहीं पे नहीं सर, इजी वो का है। इजी तो अच्छा ये पनिशमेंट भी बता रहे थे कि 10 के लिए आ गए यार, हाँ इजी कुछ नहीं होता आदमी सर, जिंदगी में। हाँ जी अकबर ने इस इंसान को अपना फाइनेंस मिनिस्टर रखा था, अच्छा इवन दो ये पर्सन जो था, ये सवाल है आपका, अब हाँ बताना चाहिए ना सवाल आ गया तो। आप सुनो ना अमिताभ सर, बच्चन भी कहते हैं कि ये रहा प्रश्न आपके सामने, अब कर रहा हूं मैं स्टार्ट, करो शुरू। अकबर ने इस नहीं पर्सन आप तो वहीं को, से बात करो ये नहीं, अकबर ठीक ने इस पर्सन को फाइनेंस मिनिस्टर रखा था, है। बट ये पर्सन खुद भी सूर अंपायर का मिनिस्टर रह चुका था, बट इसने इतना अच्छा काम किया सर, खाना तो आपको पड़ेगा टेंशन मत लो,
इसने इतना अच्छा काम किया था कि अकबर ने इनको बोला कि मैं आपको अपने नवरत्नों के अंदर रख लूंगा। कौन से एम्पायर? सूर्य भाई। नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ सर। देखो मेरे को आप आराम से बताना, मेरे को नहीं सर, आप तो इतिहास बदलने वाले थे सर। अब एक तो ठीक है इतिहास बदल लेंगे, मतलब बहुत आसान हो गया ना। देखो आसान नहीं से हो गया ना। आपने क्या बोला कि अकबर ने अपना फाइनेंस बनाया था कि ऐसे व्यक्ति को जिसको सूर्य एम्पायर ने बनाया था। सिंपल बता देता हूँ कि अकबर ने किसको बनाया था, टोडरमल ने। हाँ टोडरमल आंसर है। मतलब कितना ऐसे यूपीएससी क्या करता है, घुमा जाता है। और ये कि मतलब लोग दिमाग क्या लगाएंगे सूर्य एम्पायर में कौन था, जबकि लोगों को याद है कि अकबर के टाइम पे कौन था। आपकी तरफ किसका आ रहा हूँ थोड़ा। मैं तो मुझे लग ही रहा है मैं तो हार नहीं पाऊंगा हिस्ट्री। और हिस्ट्री का कोई भी सवाल निकाल लेते हैं लीजिए। पूछिए भगवान, मॉडर्न इंडिया से हो। मॉडर्न से खेल जाऊंगा सर मैं। मॉडर्न से है सर? मॉडर्न से पूछिए। मॉडर्न से खेल जाऊंगा। ये एक बहुत टिपिकल क्वेश्चन है। बहुत टिपिकल है तो सही है, क्योंकि ये एक अनोखी चीज है। गांधी जी ने वैसे ही कह दो मैं खा लेता हूँ, लग जाता हूँ, शुरू हो जाता हूँ। वो तो सर पनिशमेंट तो पनिशमेंट होगी। और आपको लग रहा है ना इजी होगा सर, ये गरम गरम अच्छे अच्छे समोसे हैं। मैं शुरू कर ही लेता हूँ, मुझे लग रहा है कि वाह। वो तो स्टार्ट कर लो सर। बट गांधी जी ने सिर्फ एक कांग्रेस सेशन की प्रेसिडेंसी संभाली थी। 39th कांग्रेस प्रेसिडेंसी थी। ये जो कांग्रेस सेशन था वो कहाँ करवाया गया? इतने बुरे नहीं है सर जी। नहीं तो पहले आंसर देते हैं फिर डिसाइड होएगा कौन। सर तो सर मैं चौधरी साहब जब बैठे हैं तो आंसर ही मैं ही दूंगा सर। मैं बताता हूं। नहीं आप क्यों बताएंगे सर, मैं बताऊंगा ना, आपको पता ही नहीं। चलो बताओ। ध्यान नहीं आ रहा है हम लोग। 39 सेशन कहां पे हुआ था ये आप पूछ रहे हो? नहीं ये तुम्हें याद था कि 39 सेशन ज्यादा एंड मत दो सर। गांधी जी ने मॉडर्न इंडिया आप ही से सीखा है और देखो आप ही से सीखा है और आप ही को चटकाऊंगा इससे। 1924 के आसपास। इतना तुम्हें आइडिया था जगह का, थोड़ा तो एज के साथ हो जाता है कई बार वो। कोई नहीं सर, मतलब बराबर जा रहे हो ना, हार रहे हो। नहीं नहीं अभी एक सवाल और है ना उसमें, तो कॉन्सेप्चुअल थोड़ा सा पूछिए। मतलब ऐसा मतलब कि आप क्या मतलब एकदम कॉन्सेप्चुअल, मतलब ऐसा मतलब जिसमें कुछ अच्छा। चलो ये सवाल मैं अद्वितीय टाइप का क्वेश्चन हो, मैं खुद यूनिक पूछ लेता हूं। यूनिक क्वेश्चन। हां यूनिक पूछिए। ठीक है पूछिए। अलाहाबाद प्रशस्ति हमारी प्रशस्ति थी जिसके ऊपर बहुत सारे राजाओं का इंस्क्रिप्शन था। ठीक है ठीक है। बट एक राजा का इंस्क्रिप्शन मेनली उसके ऊपर था। ठीक है, ये बता रहे थे इस राजा के बारे में कि क्या क्या करा है, कैसे कॉन्करिंग की है, कैसे विक्ट्री लाए हैं, कैसे जीत के लाए हैं। तो ये जो प्रशस्ति है ये किस राजा की थी? बट समुद्रगुप्त। नहीं 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 नहीं, किसने इस प्रशस्ति को लिखा? समुद्रगुप्त के लिए किसने इस प्रशस्ति को बनाया? मतलब समुद्रगुप्त तो सर बड़े जल्दी बोल गए सर। एक दो चीज पता होती है तुमको, समय रहते बता दो। मतलब ये क्या सवाल है, मतलब किसने लिखा? समुद्रगुप्त जी के लिए किसने बनाया था ये? चलो एक मैं इतना मैंने बता दिया, अब आप सोच लो। वो तो मुझे ही पता था समुद्रगुप्त वाला। ठीक है उसने कोई बात नहीं ना, वो तो सबको पता है। ठीक है पर ये किसने लिखा ये तो मतलब मुझे लगता है कभी नहीं पूछा गया इस तरह से चीज। मतलब ये आप चीज को कॉम्प्लिकेट बना रहे हैं। नहीं नहीं सर, मैंने तो इजी क्वेश्चन पूछा है सर। मेरे को मतलब थोड़ा बहुत ऐसा पता भी है, पर मैं ज्यादा तुक्का नहीं मानना चाहता कुछ। जो हार गए सुनो मेरी बात सुनो, अगर आधा भी बताया ना मैंने सही सवाल ही नहीं। देखा जाए तो सर का 1.5 बनता है। कैसे बन गया? सवाल है किसने था सर जी ये ऐसा बन गया। और मेरे को मैंने बताया ना एक सवाल और पूछे ना, मतलब ऐसे ऐसे नहीं हो। एक सवाल सही नहीं था ना, ये सवाल कैंसिल है, ये सही है, कैंसिल सवाल। सर क्वेश्चन समुद्रगुप्त सवाल भी यूपीएससी कई बार अपने हटा देते हैं। नहीं नहीं सर एक काम करो, हिम्मत बंधाओ। और ये मतलब हरी सर आपको बताता हूं हुआ क्या था। सवाल एक्चुअली समुद्रगुप्त का था, बट सर ने उछल के जवाब दे दिया तो मुझे लगा मैं हरिसेना वाला क्वेश्चन।
मतलब उस हिसाब से पनिशमेंट भी ऐसा होना चाहिए ना कि सवाल जैसे बेटर पनिशमेंट क्या हो सकता है सर? यार इतने तो बहुत ज्यादा है, ये तो नहीं खिलाए जाएंगे। नहीं सर आप तो खुश हो रहे हैं, सब लोग मिलकर खाते हैं। पनिशमेंट नहीं, नहीं सर हम तो नहीं खा रहे, हम तो बाद में देख लेंगे, हम तो बाद में देख लेंगे सर। ये बहुत टफ पनिशमेंट है यार, ये समोसे खाना, वैसे पेट बाहर आ रहा है। ठीक है, नहीं नहीं सर अब तो यार ये समोसे यार मत खाओ यार, जो समोसे ये कोई जहर तो नहीं है सर? और नहीं लगा सर, जल्दी जल्दी खाओ सर, ये 10 खा रहे हैं सर, खा आप रहे हो अर्नब सर की मानी आ रहा है। नहीं नहीं सर समोसे में इंटरेस्ट नहीं, मुझे पनिशमेंट में इंटरेस्ट है सर। मैं तो बस देखना चाहता हूँ कि 8 बजे समोसे के टाइम सर का चेहरा कैसा होगा। मेरे समोसे ऐसे रखे आते हैं, किसी गेस्ट के यहाँ जाओ और एक ही तो खाने चाहिए, ठीक है 10 नहीं खाने चाहिए, ठीक है ना? लेकिन आपको खाने पड़ेंगे सर। वो वही ना सर, बात तो वही है, पनिशमेंट वाली बात है हमारी। आप पनिशमेंट को भी इंप्रोवाइज कर सकते हो थोड़ी बहुत। चटनी वगैरह भी नहीं, मतलब कैसे खाया जाएगा? सर पनिशमेंट है सर, समोसे हैं, मैं समझ रहा हूँ। स्वाद देख रहे हो, मुझे लग रहा है आपने स्पेशल बोला कि खूब तेल में बनाओ इसको, ऐसा बनाया। तो मैंने बोला था बहुत प्यारे सर के लिए लेके जा रहा हूँ, हमारे क्वालिटी के अच्छे सर। आप लाए थे सुमित सर के लिए, खिला रहे मुझे। खाइए सर, आप भी खाइए थोड़ा सा, खाइए। मैं नहीं खाना सर। बढ़िया सर, बढ़िया, शानदार। एक एक छोटी चीज मैं बता सकता हूँ आपको कि 10 की जगह सर आप 9.5 खा ले। इम्प्रोवाइज इम्प्रोवाइज इम्प्रोवाइज, ये बहुत टफ पनिशमेंट है, मुझे लगा शाम हो जाएगी खाते खाते। सर जी मैं मतलब सही करूँ, इतनी देर में मैं लपेट देता इनको। नहीं आप हाथ दीजिए ना, ना बात पनिशमेंट की है ना सर। बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब नहीं हो पाएगा सर, मतलब बहुत बहुत नहीं, 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 कर सकते हो आप, कर सकते हो सर, कर सकते हो। बिना चटनी के समोसा खाना कितना टफ है, पनिशमेंट है सर, इसीलिए तो है। अब नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा हो गया। नहीं 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 बस 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 एक काम करो, एक खत्म कर दो सर। नहीं सारे कर देंगे सर, खत्म देख। आप हो सर, मुझे वही पसंद है सर, कर देंगे, कमिटमेंट फुल है सर आपका। या मैं बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ना सर, कर। बच्चे भी क्या सोचेंगे, मतलब कुछ नहीं सोच रहे बच्चे, क्या सोचेंगे। अब नहीं हो पाएगा, बहुत ज्यादा हो गया। प्लीज सर, बस एक ही है सर जी, आप खाली प्लीज। मैं मतलब मैंने एक लास्ट बचा है सर, लास्ट कर सकते हैं सर आप। अरे तबीयत खराब जाएगी, कल क्लास कैसे होगा? कुछ नहीं होगा सर, कल क्लास में बच्चों को पता चलेगा, क्लास कंपलसरी है। नहीं हो पाएगा सर, हो जाएगा सर, सबसे टफ पनिशमेंट हो जाएगा। अब बैठ जाओ पकड़ के सर, कर तो दिया सर, लेकिन मेरी हालत बहुत खराब हो गई, मतलब बहुत पेट दर्द, बहुत टफ। सबसे पहले मैंने सोचा नहीं था सर आप 10 खा लोगे। नहीं मतलब क्या, मुझे पता था ना, ये नहीं करो ना UPSC की प्रिपरेशन में हमारे लिए कॉन्फिडेंस बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, बिकॉज आप पाओगे कि आपके पास बहुत सारा नॉलेज है, आप बहुत सारी प्रिपरेशन कर रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मॉक टेस्ट लगा रहे हो, बट अगर आपके पास खुद अपने ऊपर वो आंसर देने का और एग्ज़ाम को करने का भरोसा अगर ना हो, तो आप पाओगे कि जैसे जैसे मेरा एग्जामिनेशन का टाइम आता रहेगा, आपके ऊपर डाउट्स आते रहेंगे, क्या मैं ये अटेम्प्ट देने वाला हूँ, क्या मैं ये एग्ज़ाम लेने वाला हूँ, क्या मेरा अटेम्प्ट वेस्ट जाने वाला है। मैं जो आपको बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि मोर देन द प्रिपरेशन, आपको अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। यू नीड टू हैव कॉन्फिडेंस विद इन योर सेल्फ, एंड दैट्स हाफ द नेम ऑफ द गेम इन UPSC। सो मेक श्योर दैट योर कॉन्फिडेंट, you are completely confident about your own preparation. That's about it. Let's crack it.